चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास कोई किसी तरह का, अगर इतनी जानकारी जैसे दी गई आपने संभाल के रखी होती तो कोई तुमको भ्रमित नहीं कर सकता। सब कुछ लिख के बता दिया गया। देखिए, फिर कहने का मतलब है एक तरह से नहीं, हजारों किस्म से पूरी जानकारी आपको पहले से पहले दे दी गई। कहा था बच्चा, अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ। कितनी बार कहा गया, तुम इसको नहीं समझ पाए कि आखिर गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं? आश्रम पर कैसे लोग रह रहे हैं जो गुरु कह रहे, अगर कलयुग देखना तो आश्रम पर चले आओ। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि आश्रम पर कैसे लोग रह रहे हैं जो बार बार गुरु को कहना पड़ता। फिर कहा बच्चा, हमको पांच आदमी भी नहीं मिले। अगर पांच आदमी सच्चे ईमानदार चरित्रवान मिल जाते तो मैं सत्यों ला के दिखा देता। फिर गुरु ने कहा, हमको एक भी आदमी नहीं मिला। देखिए गुरु वचन है, कहा हमको एक भी आदमी नहीं मिला। गुरु कह रहा हमको एक भी आदमी नहीं मिला, और चेला कह रहा कि हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा हमको नाम पावन दे गए। या तो गुरु झूठा है, फिर चेले झूठे, अब तो कोई जरूर है इसमें। लेकिन आपको तो गुरु वचन याद रखने चाहिए। गुरबाणी क्या कह रही है कि बने तो सदगुरु से बने और बिगड़े तो भरपूर। जब कभी जीवात्मा रूहों की बनेगी तो सदगुरु से बनेगी और बिगड़े तो भरपूर। बाकी यह सब बिगाड़ने वाले, कोई शेष में ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को जगाए और परमात्मा से मिलाती। और कहा आगे क्या कह रहे हैं, जो कहीं और से बने तो जानो सब धूल। अगर और कोई कह रहा कि सदगुरु के सिवा मैं बना दूंगा, मैं कर दूंगा, तो ये सब धूल, धूल के समान, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर गुरुवाणी को आप याद रखते तो फिर शंका नहीं होती। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, तुमने दूसरा विधान का उदार कर दिया। 60 साल जिस महापुरुष ने सुना सुना के जगह जगह के तुमको खड़ा किया था, तुमने सदगुरु दयाल की 60 साल की मेहनत को पानी में फेंक दिया और अपना नुकसान कर बैठे, अपने परमार्थ से खारिज हो गए, वंचित रह गए। तुमने अपना नुकसान किया, किसी का नहीं किया। देखो ये सब जानकारी एक एक चीज सुनिए, आप सब तुम्हारे सामने खोल के रख दी जाए। 4 जनवरी 1978 में बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा मेरी दाढ़ी ये छाया में सफेद नहीं हुई, मैंने वक्त और जमाना देखा है। कहा जब हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं लगी थी आजादी की, तभी मैं मौजूद था। और 30 साल गांधी का सत्याग्रह चला, तभी मैं मौजूद रहा। और गांधी ने पहली स्पीच अंग्रेज भारत छोड़ो लगाई, तभी मैं मौजूद था। जब 1948 में गांधी की गोली मारी गई, तभी मैं मौजूद था। और कहा मैंने अपने हाथ से 1 रुपए का 60 सेर चावल 700 चरम मैंने खरीदा। तुम मुझे सत्य महंगाई के बारे में क्या बताओगे, क्या समझाओगे, क्या बताओगे? मैं समझाता कितनी बड़ी चीज तुम्हारे सामने लाके खरीदी, जिसने कहा मैंने वो भी जमाना देखा और 60 सालों से कचरा सरकारों को देख रहा हूं, तो मुझे क्या बताओगे, तुम मुझे बताओगे क्या? और इस सबको तुम आज देख रहे, मैं पहले ही देख रहा था कि आगे समय इतना खराब आ जाएगा, सारी इंसानियत मानवता सब खतरे में बन जाएगी। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार और खुदा की सच्ची इबादत सबके दिलों से चली जाएगी और मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान खत्म हो जाएगी। ऐसा खराब समय आएगा, सब मारकाट हिंसा चोरी कतरेआम व्यभिचार कुचार में चली जाएगी। कितने पहले आपको बताएंगे, तो आज है
जब तीसरा नेत्र खुल जाता है भूत वैश्य भगवान को देखते महापुरुष वहीं से बैठकर सबका पक्ष दे देते, लेकिन तुम उस चीज को जानते नहीं हो। देखिए 1989 ये सब लिखते जाइए, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, इधर उधर की बातें नहीं की जाती। लिखते जाइए 1989 कि कैसी दिया पत्रिका कहीं मिल जाए बाबा जी की, उसको पढ़िए क्या लिखा बाबा जी ने कि तुम्हारे दबाव में तुम्हारे आदेश से मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मुझे धनदौलत सामान से कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है भगवान राम चाहते रावण को कहीं से बैठ के मार सकती थी, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकती थी, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता, इसलिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है, या यो कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं इंतजारी का नमूना आपको बता दू, आपकी शंका चली जाए कि बाबा जयगुरुदेव जी महाराज सतयुग लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं, हम सबको किस तरह से कहां बैठकर कब तक उसका इंतजार करना चाहिए। तो मैं भगवान राम की इंतजारी, भगवान तो नहीं झूठ बोलता है, उनकी इंतजारी का नमूना आपके सामने रखो। उन्होंने भी एक छोटी मोटी आवाज परिवर्तन की अपने समय में लगाई थी कि मैं राम राज्य की स्थापना करने आया, राम राज्य। राज्य एक छोटी व्यवस्था है और साम्राज्य एक बृहद व्यवस्था है। भगवान राम ने राम राज्य लाने का और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया। जब भगवान ने राम राज छोटी व्यवस्था लाने के लिए तो उनको कितना इंतजार करना पड़ा, 14 वर्ष इंतजार करना पड़ा। और सतयुग दयाल ने तो सतयुग साम्राज्य लाने का ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये तो आपको इतिहास को पढ़ना चाहिए था। देखिए तो राम की इंतजारी का नमूना बता दूंगा, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, सीधे जंगल चले गए, मर नहीं गए जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो सीता से राम ने कहा कि सीते बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। प्रेमियों देखो लीला जान बूझ के ठानी, क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश हुकुम को मान लो। सीता ने कहा भगवान क्या आदेश आपका? संत गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया रामचरित मनस, अगर तुम उसी को पढ़ लेते तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको शंका नहीं होती। उस वर्ष पहले लिखा पड़ी है, क्या कहा, क्या आदेश दिया राम ने सीता को कि सुनो हे प्रिया तुम सुनो सुशीला और हम कह चुकार ने चाहत नर लीला कि जब लाग कर अग्न बीच वासा तब तक कर निशा चार का नर लीला के लिए तुम अग्नि में वास करो और मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दूसरों का मुंह सफाया न कर सकूं।
प्रेमी और एकार शक्ति है। इन्होंने देश समाज का सुधार तो किया लेकिन मार्ग का हिंसा खुद ही करम जी के द्वारा। और संत दयाल देश से आते हैं, इनके यहाँ गया का अंग प्रधान है, मार्ग का हिंसा कटरे आम को प्राथमिकता नहीं दी जाती। दोनों तो भगवान आते संयोग है, एक काल भगवान एक ज्ञान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार तो किया लेकिन मार्ग का हिंसा करके खुदी क्रांति के द्वारा। संत दयाल भगवान अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार कर रहे और जीवात्माओं का उद्धार दो काम के लिए। तो मैं आपसे यही पूछूंगा, तुमको काल भगवान चाहिए कि दया भगवान चाहिए, मारने काटने वाला चाहिए कि क्षमा करने वाला चाहिए? यह सब तुमको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन अगर सदगुरु दयाल के सत्संग वचनों को संभाल के रखा होता तो शंका संदेह भूल भ्रम का कोई प्रश्न ही नहीं था। सब भूल गया, किसी मुझे कुछ नहीं आया। प्रेमियों लीला शंका भी पैदा करती, भक्तों की परीक्षा भी दो काम करती। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम को मौका मिल गया, वो लीला करने लगी। क्या करने लगे? पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। एक छोटी सी लीला देखकर जो उनके साथ जुड़े थे कोल भी मंगल सब साथ छोड़ के भरने लगे। देखिए आप कि लीला कैसी शंका पैदा करती। एक छोटी सी लीला में जो जुड़े थे कोल भी मंगल सब भरने लगे, लेकिन हनुमान गाड़ी पर बैठा रहा। भगने वालों ने कहा, हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं, मैं मुरीद हूं, फॉलोअर हूं। मेरा उद्देश्य उनके आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना, ये भक्त की पहचान है। प्रेमियों शिष्यों की संख्या बहुत होती, लेकिन भक्त और प्रेमी आशिक कोई कोई बनता है। यही परीक्षा का औपचारिक तरीका है। गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य इसी कड़ियों में सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य बन गए तो गुरु नानक देव जी महाराज को शंका हो गई कि शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, देखे इनमें से मेरे प्रेमी मेरे आशिक मेरे भक्त कितने हैं। तो उन्होंने परीक्षा के लिए आदेश किया कि कल सुबह पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर लिया, एक झोपड़ी बना दी। झोपड़ी के अंदर एक तरबूज का फल रखा और तलवार, एक बकरे को बंद किया और एक बाल्टी में लाल रंग पानी भरवा के रखवा। जब सुबह संगत आई तो कहा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। और कहा, मुझे सर चाहिए सर। जो सबसे आगे खड़ा था प्रेमी वो एकदम हंस पड़ा। अरे कहा, मेरा सौभाग्य क्या, अगर मेरा सिर गुरु के आदेश में काम आ जाए इससे बड़ा मानव जीवन का सौभाग्य क्या है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सरता जाऊ, अगर सर चला जाए गुरु खुश हो जाए, ये सस्ता सौदा है। शरीर तो एक दिन में से भी खत्म हो जाएगा, अगर गुरु के आदेश में काम आ जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य। वो हंसी खुशी से अंदर चला गया तो तलवार को तरबूज को मारा, खर्च किया बाजू, बकरे का कान उमेठा तो मिया की आवाज किया उसने, एक लोटा लाल रंग पानी जो रखा था उसको फैलाया और सामने संगत के जब वो रंग दिखाई दिया ने कहा, इसका तो काम हो गया, कह रहे इसका तो काम हो गया। प्रेमियों इसी तरह से एक दो तीन चार पांच तक पहुंची। जब छठे का नंबर आया और गुरु ने कहा कि मुझे सर चाहिए सर, तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। अरे वहां तो सर मांगा गया और तुम्हारे यहां बगैर सर के मांगे ही भगदड़ मच गई। प्रेमियों
तो पंच प्यारे आप भी गुरु नानक जी की कहे जाते। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे ही निकले और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला, एक भी आशिक, एक भी प्रेमी नहीं निकला, सब साथी लोग ही राजी। तो परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, छोटी मोटी परीक्षा। अभी गुरु ने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली, जानते थे शिष्य बहुत कमजोर है, स्वार्थी लोभी लालची है, गुरु ने अपने ऊपर ही परीक्षा घटित कर दिया। और जब अपने ऊपर की तो भी भगदड़ मच गई और ऐसी भगदड़ मची को दिखाई दे दिया काशी का, जबकि गुरु ने क्या कहा था कि मेरे बारे में कोई कैसी समस्या तुम्हारे सामने लाके खड़ी करे कभी बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भारी भाग अजमा लिया है, मारने की पूरी साजिश और मेरा कुछ नहीं कर पाया, तुम ये विश्वास मत करना और अपनी जगह खड़े रहना, चुपचाप पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या किसी ने गुरु आदेश को माना? यह आदेश नहीं था। अरे आदेश तो ये जिसमें गुरु खुश हो, वही आदेश शिष्य के लिए लाभकारी होता है, लेकिन कुछ नहीं, सबके सब एकदम मतलब एवी काल का गांव है। बाबा जी ने क्या कहा था, बड़ी होशियारी के साथ इस संत मत में रहना, कुछ काल के जीवों ने मेरे अमृत के नाम का सुन लिया है, ले नहीं लिया है सुन लिया है, और काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है किसी भी जीव को सतगुरु दरबार में टिकने मत देना, उनकी शरण में रुकने मत देना, नाम की कमाई मत करने देना, नहीं ये जीवात्माएं जाग जाएंगी, सब अपने घर चली जाएंगी, मेरा राज मेरी हुकूमत किस पर होगी। तो क्या कहा था और पहचान भी सतगुरु ने बताई, काल के जीवों की क्या पहचान है, जो नहीं माने हुकुम हमारा उनके मन को काल संभाला, जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा न विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, का बच्चा ये काल के जीव है, इनसे बहुत सतर्क रहेगा। आपने गुरु वचनों को मान लिया, कुछ नहीं तुम्हारे पास, एक भी अगर वचन तुम्हारे पास होता तो तुम बच जाते संकल्प। ये सब देखिए, कहा था बच्चा मेरे साथ जो लोग रह रहे चल फिर रहे आराम कर रहे ऐसो आराम खा पी रहे, इनमें से किसी को महात्मा मत समझ धोखा हो जाएगा, हमारे अपने बीच में तीसरे को खा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, सब धोखा हो जाएगा। ये सब आपके लिए, कहा मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कहते मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझेगा बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जानता। बाबा जी ने चैलेंज किया कि विश्व की सारी सियारी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ मुझे कोई नहीं पहचान सकता, जो अपनी पहचान के लिए विश्व को चैलेंज कर रहा है वो समय का इंसान हो सकता, ये भी नहीं समझ पाए हो, ये इंसान का काम कि भगवान का काम। और आपसे प्रचार भी कराया गया, अब ये भारत की जनता आपसे पूछने ही वाली है, क्योंकि तुमने भारत की जनता को बताया है, ये कहेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुड़ियों शब्दों में लिख के तुमने बताया, पर्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए और मेरे गांव शहर कस्बों में खड़े होकर तुमने गुरु का भाषण किया है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जवाब क्या देंगे उसमें, क्योंकि ये पूछेगी और तुमने इसको बताया है, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब भगवान का काम है तो जहां तुम भक्के गए हो गुरु भगवान को छोड़कर, वहां कोई भगवान है कि वहां इंसान भी नहीं,
जिसने गुरु को नहीं बख्शा तुमको क्या बख्श देगा? क्या तुम्हें छोड़ देगा वो जिसने गुरु को नहीं छोड़ा? आपको ये सब याद करके रखना चाहिए था। ये सारी चीजें इतिहास में ऐसा नहीं है, सब ऐतिहासिक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा, और ये सब तुमको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अगर गुरु के बच्चों को संभाल के रखा होता तो आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, भरमाने वाला, गुरु से अलग करने वाला, दया से अलग करने वाला कोई पहले नहीं हुआ था। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है, ऐसा देखिए प्रेमियों, जो गुरु शिष्य की पहचान बताई गई कि सच्चा गुरु भक्त कौन होगा, तो आपको क्या बताया गया था? कितनी बार दृष्टांत सत्संगों में आपको सुनाए बताए गए कि असली गुरु भक्त कौन है? तो कहा यह गुरु भक्त के अंदर एक इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या होता, तो तय नहीं पा रहा था, उसने नाव का सहारा ले लिया, नाव पर बैठा, थोड़ी दूर नाव चली तो एक तूफान दिखाई दिया। अब तय पाता नहीं था तो घबराया गया, अंदर में घबरा के अपने गुरु को याद कर रहा। गुरु ने देखा कि कभी तो याद किया नहीं आज तक हमको, आज ऐसी मुसीबत में मुझे याद कर रहा, जरा इसकी परीक्षा लेके देखूं कि ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा कि और दूसरे का हाथ पकड़ लेगा कि दूसरी की शरण में चला जाएगा। तो गुरु ने परीक्षा के लिए नदी से एक हाथ दिखाया, कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बता दूंगा। वो कह रहा तुम कौन हो? कहा मैं हूं भगवान खुदा। कहा मैंने भगवान खुदा नहीं देखा, मैंने इन आंखों से अपने गुरु को देखा।